हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियोस में हमने तीन वीडियोस में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश किए थे। आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको कुछ मैं टास्क दूंगा, वो टास्क कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में मेरे चलते रहेंगे, तो गारंटी है कि आप लोग आराम से 90 प्लस एसपी में और 90 प्लस परसेंटेज आप लोग अपने 12th एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाएंगे। अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूं या कर सकती हूं। खुद पे ट्रस्ट जरूरी है और उस ट्रस्ट के साथ आप लोग जो टाइम टेबल है उसको फॉलो कीजिए और अपने आप को भरोसा रखिए और प्रैक्टिस कीजिए और सोचिए कि मैं ये चीज अचीव कर सकते हैं, कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आप लोग अगर अपने आप पे ट्रस्ट करोगे और पॉजिटिव रहोगे, कभी मत सोचना नेगेटिव कि ये चीज हार्ड है या मुझे नहीं आएगा, बाकी सबको नहीं आता है तो मुझे भी नहीं आएगा, यह बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कभी मत सोचना। हर एक चीज को कंसिडर करने का कि ये मुझे आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब सब कर सकते हैं या दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। क्लियर सी बात है ना, किसी इंसान ने ही इसको चीजों को बनाया है। जो भी चीज हो, आप अकाउंट्स हो, इको हो, कुछ भी हो, किसी इंसान ने बनाया तो उसके पास भी दो हाथ, दो कान, नाक, कान, दिमाग, सब चीजें थी, तो उतनी चीज हमको भी मिली है, बराबर ना। तो हमारे पास वो सब चीजें हैं तो हम जरूर कर सकते हैं। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर कर पाओगे। लोगों ने प्लेन बना दिया जो इसके पर नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी हवा में उड़ता है, लोगों को लेके उड़ता है, सामान लेके उड़ता है, हजारों किलो का वजन लेके उड़ता है। तो आप भी कर सकते हो, छोटी तो छोटी चीज का जितना पढ़ना तो कोई बड़ा काम नहीं। अपने आप को मोटिवेट रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर होगा, आप लाइफ में ये क्या बहुत कुछ अचीव करोगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक, आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान दिए, अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कंपनी को जो पैसे की जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो अलग अलग जरिए से, अलग अलग सोर्सेस से वो जमा कर सकती है, रेज कर सकती है। पहले तो उसने दो मेनली लिखा है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, या बहुत लोग इसको बोलते हैं ओन फंड और लोन फंड। मतलब अकाउंट में पढ़ जाओगे आप लोग इसको तो कैटेगरी मिलेगी आप लोग आगे चल के, ओन फंड और लोन फंड। मीनिंग वही है, ओन मतलब खुद का, लोन मतलब उधारी लिया हुआ, तो ओन फंड और बोरोड, या ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, या तो दोनों का मिक्सचर करके कंपनी पैसे जमा करती है। द ओन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझेगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स मतलब वो एक्चुअल ओनर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर होते हैं, लेकिन उनको जो डिविडेंड, जो मतलब जो प्रॉफिट मिलता है, उनको फिक्स रेट ऑफ रेट पे मिलता है। इसलिए एक्चुअल ओनर्स किसको बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कंपनी क्या करती है, जो भी प्रॉफिट साल में कमाती है सारा प्रॉफिट आपस में बांट नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ प्रॉफिट एज ए रिजर्व संभाल कर रखती है आने वाले कुछ खर्चों के लिए या कुछ चीजों के लिए, ठीक है, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। तो ये जो तीनों पैसे होते हैं कंपनी के खुद के होते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर से, तो कंपनी के ओनर से वो, रिजर्व मतलब कंपनी का खुद का पिछला पैसा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पिछला जमा हुआ प्रॉफिट, जमा हुआ पैसा, तो वो भी कंपनी का खुद का होता है। तो ये सब के जरिए भी क्या होता है, कंपनी पैसे जमा कर सकती है। जैसे किसी कंपनी को कंपनी शुरू करना है तो इक्विटी शेयर इशू करती है मार्केट में, शेयर मार्केट में, आईपीओ अपने पढ़े हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, तो जब आगे पढ़ेंगे आप लोगों को लेसन में समझ में आएगा। तो उसके जरिए भी कंपनी क्या करती है, पैसे जमा करती है। आप लोग कंपनी के शेयर्स खरीदो, कंपनी को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे रिजर्व से भी कंपनी का खुद का होता है। फिर लिखा है, ऑन द अदर हैंड बोरोड सोर्सेस, बोरोड सोर्स मतलब कंपनी क्या लेती है, लोन लेती है। ऐसे कैसे लेती है, डिबेंचर्स लेती है। डिबेंचर्स क्या रहते हैं, एक एग्रीमेंट रहते हैं कि आप लोग कंपनी को इतने पैसे दोगे, कंपनी आप लोग को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। फिर लोन होता है, लोन क्या होता है, बैंक से कंपनी लोन लेती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन होती है, तो वो भी क्या है, बोरोड कैपिटल, मतलब किसी से आपने क्या लिया, उधारी लिया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेस आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां ओन फंड ज्यादा यूज करती है, बहुत सारी कंपनियां बोरोड फंड यूज करती है, उसके अंदर भी इक्विटी शेयर का कुछ हिस्सा रहता है, प्रेफरेंस का कुछ हिस्सा रहता है, रिजर्व का कुछ हिस्सा रहता है, तो वो सबको हम लोग पूरा चेक करते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मिक्स बोलते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आगे लिखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। अपने को जिस प्रोपोर्शन में चाहिए, डिजायर्ड प्रोपोर्शन में चाहिए, उस प्रोपोर्शन में अलग अलग फंड जो हमने लाए हैं उसको मिक्सअप करना। मतलब हम लोग चाहे कि हम लोग को 100 में से 50% हम लोग का इक्विटी फंड चाहिए, मतलब इक्विटी शेयर चाहिए, खुद का चाहिए, तो 50% हम लोग का इक्विटी शेयर रहेगा,
तो उस तरह से हम लोग इस तरह से मिक्सअप करते हैं. टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का मतलब हम लोग का हर जो कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग हम लोग की चीजें हैं उसका रेशियो डिसाइड करना, उसका प्रपोर्शन, उसका परसेंटेज डिसाइड करना. ठीक है, डेफिनेशन दो जन ने दिया हुआ है, आर एच वेसल ने दिया हुआ है. क्या लिखा देखो, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंटरप्राइज. तो हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं जो हम लोग को बिजनेस में पैसे लंबे समय के लिए जो पैसा लगने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा लगने वाला है, वो सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर. अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इन रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक अप द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स असेट्स. और उसने जॉन हैम्पटन ने क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो हम लोग के डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब कंपनी का ओनर्स का पैसा, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, बराबर ना, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी के एसेट्स को एक्वायर करते हैं, बनाते हैं, बराबर लेते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं दोनों को मिला के जो सोर्स बोरोड फंड और इक्विटी फंड दोनों को मिला के जो बनता है वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, बराबर ना. आगे लिखा है द कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ ओन फंड एंड बोरोड फंड. ऊपर भी पड़े कि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज रहती है, ओन फंड और बोरोड फंड. ओन फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, वेरस शेयर कैपिटल में भी दो पार्ट होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. वो ऊपर पड़े हमने वही चीज रिपीट किया, तो ये पार्ट आप लोग को नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वही चीज ऊपर रिपीट किया. सेम फॉरवर्ड फंड में डिबेंचर्स रहता है, बैंक लोन रहता है या लॉन्ग टर्म लोन रहता है, कोई इंस्टीट्यूट से लेते हैं, इंस्टीट्यूट में जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं, LIC से लोन मिलता है, LIC कोई बैंक नहीं लेकिन लोन देता है वो लोग, बराबर. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. आगे अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. एग्जाम में पूछ सकता है एक्सप्लेन कैपिटल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, वो दोनों मिक्स करके हम लोग लिखेंगे. क्या लिखा है देखो, देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर आर एज फॉलोस. मेनली कितने कैपिटल के स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, मेनली दो होते हैं. हमने अभी ऊपर पढ़े थे क्या, देखो यहाँ पे था हम लोग का, यहाँ था देखो, ये था बोरोड ओन फंड और बोरोड फंड, ये दो मेनली मेन है. अब उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है. अब ओन फंड में तीन पार्ट है, कौन कौन सा, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना. इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस को जो फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है वो सबसे मेन सोर्स क्या रहता है हम लोग का, इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच गेट डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर ना. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट का हिस्सा और रिपेमेंट उनका कैपिटल, अगर कंपनी बंद हो रही तो कैपिटल जो उनका पैसा पर रिपे होगा किसके बाद होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद होगा. समझो एग्जांपल, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के पास 10 लाख की असेट्स है, मतलब सारी असेट्स बेचने के बाद 10 लाख मिले और सारी लाइबिलिटीज कितने की, 8 लाख की, तो 10 लाख में से 8 लाख चले गए, लाइबिलिटी सब पे कर देंगे हम लोग, लोन वगैरह क्रेडिटर्स को पे करना था, बराबर, अलग अलग स्टाफ को पैसा बाकी, तो सब, तो बचे कितने, 2 लाख. अब 2 लाख में से पहले किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इस केस में भी. और अगर डिविडेंड मतलब कंपनी जो प्रॉफिट बांटती है तो पहले किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, दे ओन द कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर मेन ओनर रहता है हमेशा रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का मेन ओनर कौन रहता है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मेन ओनर कौन रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, क्योंकि जो मेन रिस्क होता है वो कौन उठाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट कम ज्यादा होते रहता है तो लगा डिविडेंड जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होते रहता है प्रॉफिट के ऊपर, कभी कभार लॉस भी उठाना पड़ता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब किसकी बात चल रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात चल रही है. प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर फ्रॉम द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड मतलब कंपनी जब क्या होती है, बंद होती है, तो उन्होंने वही लिखा है ऊपर जो लिखी चीज वही लिखी थी, प्रेफरेंशियल होल्डर को क्या रहती है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, कब, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड पे करने पे, प्रॉफिट जब बांटते हैं तो पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को मिलता है. कंपनी जब बंद होगी तो जब पैसा सबका रिटर्न होगा तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब लायबिलिटी को पे करने के बाद जो पैसा मिलेगा पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल होल्डर को, उसके बाद जो बचेगा किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है ना, दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, लेकिन इन लोग का डिविडेंड जो होता है क्या होता है, फिक्स रेट पर होता है, क्योंकि इन लोग जो बोला ना हमने, मैंने किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर ले लिया, एक प्रेफरेंस शेयर लिया तो उसमें लिखा रहेगा कि 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% मतलब 10% को डिविडेंड क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ऐसा रहता है. नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग वही हमने ऊपर बताया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो पुराना प्रॉफिट जमा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग.
इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. ये हमारे क्या है, कौन सा फाइनेंसिंग का सोर्स है, इंटरनल, मतलब हम लोग कंपनी के अंदर से ही पैसा इसके अंदर निकालते हैं. क्योंकि क्या होता है, पूरा प्रॉफिट कंपनी आपस में बांट, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का रख लेती है. देखो वहां पे लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्लगिंग बैक मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा क्या करते हैं लोग निकाल लेते हैं, पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि आगे चलकर कुछ इमरजेंसी एक्सपेंशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा लोग निकाल के रखते हैं. तो ये हो गया रिटेन अर्निंग. ठीक है, तो ये तीन मेन तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग का बनेगा ओन फंड. ये तीनों को मिलाएंगे तो बराबर है. फिर आता है नेक्स्ट आप लोग का बोरोड फंड. अब बोरोड फंड में मेनली दो पार्ट होते हैं, डिबेंचर्स और लोन. तो देखो क्या लिखा है, इट इज एक्नोलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय द कंपनी. ये क्या करता है, कंपनी जो लोन रेज करती है, जो पैसा रेज करती है लोगों से, एज ए लोन लेके बोल के लेती है. कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड एंड एग्रीड रेट. कंपनी को क्या करना पड़ता है, इस पे एग्रीड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जैसे लोन क्या होता है, बैंक में जाएंगे हम लोग, हमको बोलेंगे हमको 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक हम लोग को दे देंगे. लेकिन अगर हम लोग को ऐसा लोन नहीं चाहिए, लोगों से चाहिए, तो लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, कि आप लोग एक डिबेंचर हम लोग का 100 रुपए का है, तो कोई 10 डिबेंचर खरीदेगा, लोगों ने कोई 1000 रुपए इन्वेस्ट देगा कंपनी को, कोई 500 देगा, छोटे मोटे अमाउंट देके कंपनी को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा. तो बड़ा लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इस तरह से भी कंपनी क्या करती है, पैसा जमा करती है डिबेंचर की शक्ल में, लेकिन उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या पड़ता है, फिक्स रेट देना पड़ता है. नेक्स्ट है हम लोग का टर्म लोन्स. टर्म लोन्स आर प्रोवाइड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. टर्म लोन जो क्या होता है, कोई बैंक प्रोवाइड करता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे हमने बता दिया, मैंने आपको बताया LIC बराबर ना, HSBC, ये सब क्या करता है, आप लोग को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आप लोग को प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है. दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब सिंपल सी बात, जो भी आप लोग लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है. टू अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट वी शैल कंसीडर फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज. ये सब जो हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में था, थोड़ा बहुत हम लोग को बैलेंस शीट दिया. देखो यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल, कंपनी के पास कितने शेयर कैपिटल, ये लाइबिलिटीज आप लोग का बैलेंस शीट आप लोग ने अगर बनाए होंगे तो 11th में, और 12th में थोड़ा सा था. तो शेयर कैपिटल के अंदर नॉर्मली क्या होता है आप लोग का, अभी आप लोग जब 11th 12th पढ़े तो उसमें कैपिटल था या पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग को कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के अंदर क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है. तो इसके पास कितने शेयर है, 10,000 शेयर है. एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1 लाख. ये प्रेफरेंस शेयर कितने, 5,000 के. एक शेयर कितने का, 100 का, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 5 लाख. तो ये हो गया आप लोग का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. फिर उसके पास क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस मतलब पुराना रिजर्व, तो कितना है, 50,000. फिर लाइबिलिटीज में आएंगे तो लाइबिलिटीज में ये भी लाइबिलिटीज है, लेकिन ये हम लोग की बोलते ना बाकी की लाइबिलिटीज, जो मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा जाता है उसको ओन फंड. ये ऊपर का ओन फंड, नीचे लोन फंड. लोन फंड में डिबेंचर्स रहता है खाली और लोन रहता है. तो डिबेंचर्स कितने उसके पास, 1,000. एक कितने का, 100 रुपए का, मतलब कितने रुपए जमा करी कंपनी ने, 1,00,000 रुपए. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, मतलब जब इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना देगा, 10%. मतलब जिसके पास भी समझो 10,000 रुपए का डिबेंचर है तो उसको कितने रुपए हम लोग इंटरेस्ट देंगे, 10%, मतलब 5,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए है, 10% कितना होता है, 1,000 रुपए. तो 1,000 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलेगा. ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो होती है, करंट लाइबिलिटी होती है. तो इसको इसको हम लोग हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते. यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड डिबेंचर्स. तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का होगा, 7,50,000 का. उसमें करंट लाइबिलिटी नहीं आती है बराबर ना, क्योंकि उसमें सिर्फ ओन फंड और बोरोड फंड होता है. फिर वही पैसा हम लोग क्या यूज करते हैं, फिक्स एसेट लेने में बराबर ना. तो ये सब हो गया हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा. अब थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं. यहाँ पे आप लोग को डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश दिया हुआ है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का. 6 पॉइंट है, याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार आता है डिस्टिंग्विश. जो भी चैप्टर में पढ़ेंगे उसको डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश आएंगे. तो ये तो मोस्टली ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आप. तो इसके 6 के 6 पॉइंट याद करिए, 4 मार्क्स का आएगा तो 6 पॉइंट आपको डिस्टिंग्विश में लिखना होता है. यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई गाइड वाइड की जरूरत नहीं है. चलिए आगे आते हैं. ये चैप्टर में एक ही डिस्टिंग्विश है. यहाँ पे देखो, अब अगर आप लोगों ने लेसन अच्छे से समझे होंगे तो आप लोग को डिस्टिंग्विश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो यहाँ पे डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट बराबर ना. मनी और मनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्या होता है, फाइनेंस बराबर ना. फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी बराबर ना. फाइनेंस जो होगा मैनेजमेंट, कौन से अफेयर्स हम लोग कंपनी के मैनेज करते हैं, उससे मॉनिटरी, पैसे बराबर ना. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द एक्विजिशन ऑफ यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग क्या करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, एक्वायर करते हैं, कैपिटल को बराबर ना. कंपनी हैज टू पे डैश टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, हम लोग को टैक्सेस पे करना पड़ता है. तो ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग अगर अच्छे से समझोगे, मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनोगे, तो गारंटी है कि चुटकियों में आप सारे ऑब्जेक्टिव खुद करोगे. इसके आंसर्स भी आप लोग को खुद मिल जाएंगे. थोड़ा बहुत अगर कुछ नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके सारे जितने भी आपके एक्सरसाइज है सबके आंसर आप लोग
लिख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पहले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। नहीं समझा तो एक बार वीडियो और देखिए, एक दो बार लेसन और पढ़िए, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आप लोग को अभी नहीं जिंदगी में हमेशा काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप लोग ओसी पढ़ो, चाहे एसपी पढ़ो, चाहे अकाउंट्स पढ़ो, चाहे इको पढ़ो, बहुत काम आएगा एक्चुअल लाइफ में। देखो मैच द पेस भी है, कैपिटल बजटिंग इसको बोलते हैं, मैच कीजिए। आप लोग को फिर यहाँ पे वन वर्ड है, वन वर्ड दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग का 20 मार्क्स आएंगे। ट्रू फॉल्स है, फिर उसके बाद आप लोग का ऑड वन है, कंप्लीट द सेंटेंस है, क्या बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से चूज करके देने का है, आंसर इन वन सेंटेंस है आप लोग के, जो अंडरलाइन वर्ड है वो रॉन्ग है आप लोग उसको राइट करके लिखने का है, फिर आप लोग को दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, तो दो दो मार्क्स ले आते हैं हम लोग। ये आप लोग की क्या है, फॉलोइंग केस स्टडी एंड सिचुएशंस, ये है आप लोग के पास। डिस्टिंग्विश आप लोग के पास टेक्स्ट बुक में ही था, तो ये वहां से लिख लीजिए। आंसर इन ब्रीफ ये आप लोग को दिया हुआ है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सब के आप लोग को, इतने भी चीज आप लोग को है, सबका नोट्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो ये है, क्या बोलते हैं आप लोग का केस स्टडी नहीं, सॉरी, ये आप लोग का अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, वन सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव्स, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सब आप लोग खुद से पहले कीजिए, ताकि आप लोग को समझेगा, आप लोग खुद अंदाजा आएगा, आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हो कि जो लेसन हमने समझे वो अच्छे से समझे के नहीं समझे। अगर नहीं समझा है, अगर कुछ आंसर्स नहीं आ रहे, तो लेसन को वापस से, वीडियो को वापस से देखिए, और अगर फिर भी कुछ कम लगता है तो आप लोग एक बार लेसन खुद से पढ़िए भी, खुद से रीड भी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो गारंटी है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, आगे की चीजें बहुत क्लियर रहती है आप लोग के लिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों का फायदा हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके।